तो और हिमलैंड चलो, क्यों हिमलैंड की न्यू वीडियो देख लिए? नहीं अभी तक नहीं देखा। अरे भाई साहब जल्दी से जाकर देखो। तो भाई साहब इस जगह के चैनल पे हिमलैंड की न्यू वीडियो आ चुकी है, आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा जल्दी से जाकर पहले उस वाले वीडियो को देखना, उसके बाद इस वाले वीडियो को देखना, तभी आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा कि इस वाली वीडियो में उसी से रिलेटेड कुछ हिडन डिटेल्स के ऊपर बात करने वाला हूं। ये वाली वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने, तो वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने जो वीडियो क्लिप देखी है, इस वाली वीडियो क्लिप में हिडन डिटेल क्या थी मैं आप लोगों को ये चीज बता देता हूँ। ये भगवान क्या जुलुम है। अरे भाई हम लोगों ने तो वीडियो क्लिप देखी ही नहीं। सॉरी। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो क्लिप को देख लो। वुल्फी ने पूरी तरह से यहाँ पे कर लिया है सुंगा सुंगी वगैरह, और यहाँ पे एक नहीं दो नहीं तीन लोग थे। एक बंदा है जो फलाना, जिसको बाकी के दो लोगों ने फसाया है यहाँ पे, क्योंकि ये बंदा यहाँ पे फंस रहा है। और ये जो मशीन है वो सारी की सारी एनर्जी इसके अंदर झोंक रही है, ऐसे कुछ तो है। इसने पूरा अभी मुआयना किया तो इसको ये पता चला है। मे बी वो दो बंदे किल्विश या फिर ये हो सकते हैं, ऐसे मुझे लग रहा था। पर उससे पता है एक बंदा प्लेयर है ना कि एंटिटी है, और एक बंदा है टाइम ट्रैवलर। वो अपने असली फॉर्म में नहीं है और वो टाइम ट्रैवल करके आया है बहुत ज्यादा, और उसने बहुत चीजों और बहुत ज्यादा टाइमलाइंस के थ्रू वो जा चुका है। ऐसा एक बंदा है, क्योंकि उसकी स्मेल हमारे मेन हिमलैंड्स की नहीं आ रही बिल्कुल भी, उसमें से कोई रैंडम ही स्मेल आ रही है। एक बंदा है जो हिमलैंड से ही है। सो वो बंदा कौन है जो हिमलैंड से गद्दारी कर रहा है भाई? ये गड़बड़े बाबा। तो वो बात करते हैं इन तीन बंदों के बारे में। तो आखिर ये तीन बंदे कौन है, आखिर ये तीन बंदे कौन है और किस तीन बंदों के बारे में जब यहाँ पे बात कर रहे होते हैं? तो जिसमें से वो बताते हैं कि एक बंदा जो है वो फलाना जी है, तो दूसरा और तीसरा बंदा कौन है? जैसे कि आप लोगों ने स्मार्टी बाई के चैनल पर देखा होगा वीडियो को, तो उस वाले वीडियो में आप लोग को पता होगा कि वो तीन बंदे कौन थे, क्योंकि जब यहाँ पे स्मार्टी पाई के साथ साथ यहाँ पे ड्रीम बॉय और फलाना जी दोनों लोग साथ में आए थे। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे एसजीओ भाई बोलते हैं कि एक बंदा जो होता है वो टाइम ट्रेवल किया है, और दूसरा बंदा जो है वो एक प्लेयर है, और वो भी हिमलैंड्स का प्लेयर है जो कि गद्दारी कर रहा है हिमलैंड्स के साथ। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे कोई गद्दारी नहीं कर रहा है, सब लोग अपने अपने हिसाब से हिमलैंड्स को बचाने की कोशिश ही कर रहे हैं। इसी के बीच में ये चीज़ करनी पड़ी थी स्मार्टी बाई को और ड्रीम बॉय को, जैसा कि आप लोगों ने पिछले वाले वीडियो में देखा होगा। तो इस वाले वीडियो में जो ये दो बंदे थे वो था एक स्मार्टी बाई जो कि टाइम ट्रेवल किए थे, और ये जो स्किन थी यानी कि ये जो वॉरियर की स्किन थी, इस वाली स्किन को ये जो वुल्फी था ये सूंघने के बाद ये इस चीज़ को पहचान नहीं पा रहा था, क्योंकि ये दूसरी टाइमलाइन की स्किन थी और इस चीज़ को वो जो वुल्फी था वो कैप्चर नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से वो बता रहा था कि किसी दूसरी टाइमलाइन का है और ये दूसरे टाइमलाइन में ट्रैवल किया है। वो है स्मार्टी भाई जो कि अपनी पुराने वाली स्किन में नहीं है, वो एक वॉरियर की स्किन वाले में है जो कि हिमलैंड को सेव करने वाला था, और शायद से हिमलैंड को सेव भी किया, लेकिन अब तक उनकी स्किन नहीं गई। अब इस चीज़ के पीछे भी कोई रीज़न होगा, तो अभी इस चीज़ के बारे में उनको नेक्स्ट वाले एपिसोड में पता चलेगा। और दूसरा था ड्रीम बॉय, क्योंकि ड्रीम बॉय ने कभी टाइम ट्रेवल नहीं किया है, और यहाँ पे ड्रीम बॉय जो है वो एक प्लेयर है और वो फलाना जी की मदद किया था, तो इसलिए यहाँ पे जो होगा वो एक प्लेयर होगा, तो यहाँ पे वो होगा ड्रीम बॉय। और अगर आप लोग को लग रहा हो कि यहाँ पे किल्विश और होगा लाला हो गए, तो मेरे हिसाब से तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि किल्विश तो एक एंटिटी है और यहाँ पे होगा लाला भी एक एंटिटी है, प्लेयर यहाँ पे नहीं हो सकता। आई थिंक कि आप लोग को इस वाली वीडियो क्लिप की हिडन डिटेल आप लोगों को पता चल गई। सो फटाफट से आज के इस दूसरे वाले वीडियो क्लिप की हिडन डिटेल की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप इस वाली वीडियो क्लिप को देख लो ध्यान से, उसके बाद मैं आप लोगों को इस हिडन डिटेल के बारे में बताता हूँ। तो मार नहीं सकते इसको, हम लोग यहाँ से हिला नहीं सकते, ये यहाँ पे चिपक चुका है बराबर। इतने गंदे आवाज क्यों हो रहा है भाई? पर मेरे पास अभी एक ही आइडिया है, तेरी जनता को यहाँ से इवैक्यूएट करना पड़ेगा जैसे हम लोग लास्ट टाइम किया था। और अभी आई नो मेरा एक बंदे के साथ झगड़ा चल रहा है, पर उसका किंगडम आई थिंक सो सेफेस्ट प्लेस है, क्योंकि मेन हिमलैंड्स भी पूरी तरह से कुछ भी हो रहा है वहाँ पे, होगा लालाज वगैरह आ रहे हैं डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। पिछले बार विजन को मारने की कोशिश की थी अगर तुझे याद होगा, तो
अभी। तो इस वाले वीडियो क्लिप को अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पे इस वाले वीडियो क्लिप में हिडन डिटेल यही थी कि जब यहाँ पे एसजीओ भाई बात कर रहे होते हैं जंगलू से, तो यहाँ पे एसजीओ भाई बताते हैं कि ट्री में रहने वाले जो बंदे हैं इन लोग को शिफ्ट करना पड़ेगा अपने किंगडम में, और वहाँ पे हैं जो होगा लालाज हैं वो लोग आतंक मचा रहे हैं। तो मैं आप लोग बता दूँ कि इस वाले वीडियो क्लिप में हिडन डिटेल यही थी कि जब यहाँ पे एसजीओ भाई बोलते हैं कि वहाँ पे ये जो होगा लालाज है वो अटैक कर रहे हैं, यानी कि इस चीज़ में हिडन डिटेल यही थी कि जब यहाँ पे टाइमलाइंस फिक्स हो गई हैं तो ये जो होगा लालाज होंगे वो कैसे होंगे। बस यहाँ पे एक ही तो होगा लाला है और वो है ये स्मोक वाला होगा लाला। तो इस वाले वीडियो क्लिप में हिडन डिटेल यही थी कि यहाँ पे एसजीओ भाई जो थे वो गलती से यहाँ पे होगा लालाज बोल देते हैं, जो कि अब होगा लालाज जो है वो दूसरी टाइमलाइन के जो होगा लालाज थे वो अपने अपने टाइमलाइन में जा चुके हैं। अब यहाँ पे जो बचा है वो होगा लाला और ये किलवे सी बचे हुए हैं। तो इस वाले वीडियो क्लिप के हिडन डिटेल को आई थिंक आप लोग को समझ में आ गए होंगे। तो आज के इस वाले वीडियो में तो इतना ही था, लेकिन आप लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगे कॉमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना, और आप लोग को अगर कोई और भी हिडन डिटेल मिली है तो कॉमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। और ये रहे कुछ बंदे जो कि मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, तो इन भाइयों के बड़ा सा शाउट आउट, और आप लोग सब्सक्राइब कर दो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।